हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फाइनली हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द मस्ती जोन के ट्रैम्पोलिन और गेमिंग जोन में। पांच छह तो आपको इस लेन में दिख जाएंगे, बाकी उसके अलावा आपको इधर भी दिख जाएंगे जो कि बड़े लोग भी खेल सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम बहुत सारे टॉयज जीते थे तो आप गेम खेल के जीत सकते हो। तो चलिए हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं ट्रैम्पोलिन और एडवेंचर पार्क को। बाकी यहाँ पर आप टिकट्स जीतोगे तो टिकट्स के अकॉर्डिंग आपको प्राइस भी मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजें कार्ड ले सकते हो। कार्ड का प्राइस अलग है, टिकट का प्राइस अलग है, तो देखते रहिए, सब कुछ मेंशन करूंगी। कीप वॉचिंग गाइस। द हाउस ऑफ डेड 200 रुपीज, 70 राइड 200 रुपीज, टोटल हो रहा है 4, बट कॉम्बो लोगे तो आप 300 रुपीज का मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लें, बहुत प्यारे प्यारे से गेमिंग जोन है, बहुत सारी चीजें हैं, इतने में ख़त्म नहीं होता है। इधर भी स्टार्ट होते ही ख़त्म नहीं होता, इधर भी बहुत सारे गेम है और इधर भी बहुत सारे गेम है और इधर भी बहुत सारे गेम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और क्या क्या है, ये देख लें। बाकी कुछ अट्रैक्टिव सा भी पोर्शन मिलेगा आपको, कार रेसिंग, कार रेसिंग इधर। ओ वाओ, ओके, सो एक बॉल गोल वाला है, ये भी खेल सकते हो आप। गाइस ये है द हाउस ऑफ डेड और इसके अंदर 70 राइड होगा। इसके प्राइजेस है 200 रुपीज, कॉम्बो लोगे तो 300 रुपीज़ भैया। इसका ये टाइमिंग है, ओके, इसकी टाइमिंग है 10 to 12 मिनट्स। तो ये ग्लासेस मिलेगी हमें 70 के लिए। सामने डिस्प्ले लगा हुआ है और ये ग्रुप में चलता है, पीछे बहुत सारी सीट्स है तो साथ में बैठ के कर सकते हैं। बाकी प्राइस, कॉम्बो प्राइस सब कुछ बताया है। यहाँ की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, अभी कुछ हुआ नहीं है तो बस वेट कर रहे हैं। और ये ग्लासेस पहनना पड़ेगा, तभी आपको 70 के मजे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा था और 70 की खास बात, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, बट कुछ कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। लाइक जैसे अगर उसमें झटके हो रहे हैं तो उसमें भी आपको झटके लगना, बारिश फील होना अगर उसमें बारिश का विजुअल चल रहा है तो इधर बारिश फील होना, हवा आ रही हो तो हवा आना, और स्प्रे हुआ लाइक स्नो वाला तो स्नो का फॉग भी आया था, तो काफ़ी अच्छा था। और कुछ फ्रेग्रेंस भी आई थी, जैसे वहाँ पर कुछ जल रहा है तो जलने की स्मेल आना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। विजुअल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव थे, पहले मुझे लग रहा था इसे कुछ ज़्यादा खास क्लियर दिख नहीं रहा है, बट जब थोड़ा सा आगे विजुअल दिखना शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि हम उसके अंदर हैं, मतलब 4D 3D उसमें ऐसा लगता है कि ठीक है बहुत क्लियरिटी है, बट इसमें ऐसा लग रहा था कि आप वीडियो के अंदर हैं। तो वर्चुअल टूर किया है हमें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके गाइस, अब बारी आती है गेम की जिसमें हम बहुत सारे टॉयज जीतने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। ये क्या बदतमीजी है?
रोटेट नहीं हो रहा था. ओके व्हाट इज दिस व्यू स्नोबॉल. और ये बूस्ट 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 से क्या हो रहा था, स्टार्ट हुआ था सर. ओके गाइस, तो ये जो है ना ये रोटेट भी हो रहा है. इसी रोटेशन से आपको बाइक ड्राइव करनी है. फ्लैश हाथ पैर नहीं टूटते, ऊपर से इतनी पागल हो जाती है कि पक्का कभी ना हो जाए. अरे किधर जाओ, कुछ नहीं दिख रहा है. देखिए सारे पत्थर पानी सब तोड़े जा रहे हैं. मैं बाइक चला रही हूँ, पानी कभी फिर से वही 5 स्टार हाथ लगा यार. ये गाइस बच्चों का जोन है, बाकी ये एडवेंचर मस्त. इसमें आप यहाँ से शुरू करते हो गाइस, ये पोर्शन पूरा कवर करते हुए 1 2 3 फ्लोर है. आपको तीनों फ्लोर प्रॉपर ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है, प्रॉपर क्रॉस करके लास्ट में एंड में यहाँ से आपको नीचे आना है. तो ये पोर्शन हो गया. अभी हम एंट्री करने जा रहे हैं मस्ती जोन के ट्रैम्पोलिन पार्क में. यहाँ पर हम कर रहे हैं एंट्री, तो अंदर दिखाते हैं इनके पास क्या क्या है. बाकी लास्ट में हम यहाँ पर भी मिलने वाले हैं. और ये थोड़ा सा टफ टास्क है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा होता है और इसमें टाइम लिमिट नहीं है. भैया ने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका सीन कुछ ऐसा है कि आप जितनी देर में कंप्लीट कर लो उतनी देर में ये खत्म हो जाएगा. वार्डन नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ब्लॉक में एक बार में एक ही व्यक्ति जंप करे. एक ब्लॉक में एक से अधिक व्यक्तियों के जंप करने पर चोट लगने की संभावना होती है. एक ब्लॉक का मतलब है, आई आपको दिखाती हूँ. एक ब्लॉक का मतलब है एक टाइम पे एक ही लोग जंप करे ताकि उनको चोट ना लगे, क्योंकि इस पे प्रेशर होता है. ये जंप करता है तो दो लोग करोगे तो इसमें मे भी हो सकता है कि प्रेशर ना झेल पाए तो आपको चोट लग सकती है, क्योंकि इसके अगल बगल स्प्रिंग्स होते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, बट इस बार भी दिखा रहे हैं. ये देखिए इस तरह से स्प्रिंग लगे होते हैं, अगर इन पर पैर फंस गया ना आपका तो बहुत गंभीर चोट आ सकती है. मुझे भी आ गया स्नो मस्ती के अंदर, मैं स्लिप करके गिर गई. थैंक गॉड वो कैप्चर नहीं. गाइस पूरा ट्रैम्पोलिन पार्क हमारे लिए साफ करा दिया गया है, कहीं पर भी कोई नहीं है. इस पूरे जोन में हमारे सिवा कोई भी नहीं आ सकता है जब तक हम यहाँ पर हैं. और यहाँ पर इसमें कूद करके आप अपनी जान दे सकते हो.
कह सकते हो, ताकि इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो जो हम कभी नहीं चढ़ सकते। और गोल करने के लिए बॉल है, तो ये रहा बॉल। शिवी के बर्थडे पे मैंने 11 गोल किए थे, आज देखते हैं कितने गोल करेंगे। पहला गोल, दूसरा गोल, गोल। तो गाइस आइए गेम खेलिए, मजे करिए, और हम थोड़े मजे करने के बाद आपसे मिलते हैं। जिंदा लाश कर दूंगी मैं। उतना ऊंचा है नहीं, लेकिन यार डर लग रहा है। मुझे पूरी तरह से अंदर दबा लिया गया था भाई, और अभी मैं बहुत अंदर हूँ, इससे निकलने में मुझे टाइम लगेगा। और आज मुझे सब चोटें लग रही है यार, मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया था, मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरी आंखों में इसी वजह से लगा, बट अभी ठीक है, तीनों ठीक है। तो गाइस फाइनली हमने एंट्री कर ली है एडवेंचर पार्क में, और यहाँ पर लेकिन ये एग्जिट पॉइंट पर नहीं, अभी ये सेकंड फ्लोर पर है, अभी सेकंड से इनको थर्ड पर जाना है, और अभी हमने जीरो से अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तो चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ से शुरू किया था, एक दो स्टेप ऊपर आते आते, और मैंने ये क्रॉस करके फाइनली अब मुझे करना है ये क्रॉस, जो कि ये बहुत हिलने वाला है। तो चलिए, मेरे को पता है ये आगे स्लिप हो जाएगा, इसलिए मैं सेफ जोन में खेलती हुई आगे बढ़ रही हूँ, और फर्स्ट फ्लोर कम्प्लीट होगी, हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। ये सब टास्क तो हार्ड है, कुछ कुछ हार्ड है, बट जो सबसे अजीब हरकत है ना ये, बट ये सेफ्टी पर्पज के लिए जरूरी है, वरना ये हमें बचाएगा कैसे। तो ये भी है, बस बिना इसको खिसकाए ना आगे नहीं बढ़ सकते। लास्ट है, नहीं रखा, एक राउंड और। भैया मैं थक गई हूँ, बस लास्ट राउंड चल रहा है हमारा। चलो काली कर,
चरण वो है। ओके गाइस, फाइनली हम लास्ट स्टेप पर हैं जहाँ से हमें जंप करके जिंदगी पानी है। तो ये 3 फ्लोर की जर्नी अच्छी रही, पता नहीं कि उस बार बहुत टफ लगा बट हो गया। अब हम यहाँ से जंप करेंगे, ये भी टफ है, लास्ट टाइम मेरे हाथ में लगी थी, इस बार पता नहीं क्या होगा। तो बस जंप जंप जंप, 3 स्टेप है, उसके बाद फाइनली हम फ्लोर पर होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं जाऊँ, आई एग्जिट कर रहे हैं तो अंकल जी हमें मिल गए। चलिए अंकल जी, हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम क्या है? कशा है।